आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया था हमारे WWE चैंपियंस 2021 के गेम प्ले और रिव्यू में। इतनी खुशी। जी हाँ, कुछ इसी तरह से हमें खुशी होता है जब आप प्यार और सपोर्ट दिखाते हो कोई भी वीडियो में। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहो यार हर वीडियोस में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है WWE चैंपियंस 2021 के गेम का। बेसिकली आज हम एक नया इवेंट खेलने वाले हैं जो इस गेम में आ चुका है, जिसका नाम है स्ट्रीट शोडाउन टूर। और देखते हैं हमारे पास क्या है, ऐसे सुपरस्टार है जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहला एपिसोड है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट्स, गेम प्ले और गेमिंग सीरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो यार जल्दी से गेम प्ले में चलते हैं। तो सीधे हम इवेंट में जंप करेंगे, लेकिन उससे पहले जब आप फैक्शन के साथ जुड़ना चाहते हो हमारे WWE चैंपियंस गेम में, तो सीधा जाओ इंडियन गेमिंग सर्च करो फैक्शन कैटेगरी में जाके और आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। आपको रिक्वेस्ट वगैरह भेजने का जरूरत नहीं है। तो इसमें तीन इवेंट फिलहाल चल रहा है। सबसे पहला जो नया इवेंट है स्ट्रीट शोडाउन टूर, उसके साथ साथ चैंपियंस एनिवर्सरी, फोर्थ एनिवर्सरी के नाम से हम जान रहे हैं, और गॉन्टलेट ब्लीच भी फिलहाल चल रहा है जो हम पार्टिसिपेट इस वीडियो में तो नहीं करने वाले। तो चलो सबसे पहले नॉर्मल में देखते हैं। एंजिलो डॉकिंस को यूज करते हुए हमें मैच खेलना पड़ेगा। शायद हमारे पास ये सुपरस्टार नहीं है, जी हाँ, तो हम इस स्टेज को नहीं खेल सकते, लेकिन दूसरा स्टेज तो खेल सकते हैं क्योंकि स्मैकडाउन सुपरस्टार चाहिए और ये हमारा फाइनल मेन इवेंट में है। तो रोमन रेंज को लेके आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, हमारे पास है रोमन रेंज, वो भी स्मैकडाउन लाइव से। तो चलो धुआंधार पावर बम स्पीयर वगैरह लगाते हैं। ऑब्वियसली स्पीयर मूव को हम अनलॉक नहीं किए, लेकिन जो भी हो द जगरनॉट है यार, बहुत ही पावरफुल है रोमन रेन। ओडिस के साथ मैच है, हेवी मशीनरी। तो चलो पहला मूव्स करते हैं हम। ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा रेड को डिस्ट्रॉय करना है ताकि हमें एडवांटेज मिले, मूव्स फिलअप हो सके। तो करो ना भाई। लेकिन ओडिस का दूसरी तरफ हो चुका है पहला मूव रेडी, और ये हमें लगने वाला है रनिंग क्लोज लाइन लेवल 7 का। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन इसके जो स्पेशल यानी स्पेशल स्किल है हर मूव का, वो दिक्कत दे सकता है। तो ये लग गया हमें द कैटरपिलर यानी फिनिशर। तो हमें पिन होने वाला है, लेकिन हम आसानी से पिन आउट कर लेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम पावरफुल हैं यार। अभी चलो रेड पे चलते हैं। ऑलमोस्ट फुल होने वाला है पहला मूव हमारा। ये रहा हमारा पहला समुआ ड्रॉप लेवल 10 का, 12,000 डैमेज। तो लगभग उसको एंड कर दिए हैं, और दो को ब्लास्ट कर सकते हैं, इस मूव का स्पेशलिटी है। तो इसी के साथ मेन इवेंट के मैच को जीतते हुए रोमन रेन की जय हो। मजा आया। तो पहला इवेंट का मैच, वो भी मेन इवेंट का, जीत के साथ शुरुआत। तो चलो तीसरे स्टेज पे पार्टिसिपेट करते हैं। सर्किट रीमास्टर यानी सभी मैचेस को 3 स्टार के साथ जीते हैं, तो हार्ड लेवल का अनलॉक हो चुका है सेकेंड चैप्टर का, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉर्मल का थर्ड चैप्टर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें हमें रॉ सुपरस्टार चाहिए, तो काफ़ी सारा होगा रॉ सुपरस्टार, वो भी पावरफुल वाला, ऐसा वैसा नहीं। ब्रॉन स्ट्रोमैन, जी हाँ, पावर है लगभग 7300, तो आसानी से इस मैच को जीत जाएंगे, समझ रहे हो। उधर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन तबाही मचा रहा है WWE अनडिफीटेड में, इस गेम में भी तबाही मचाएगा। कर दो लाइक जल्दी से। तो एंट्री कर चुके हैं, पहला मूव के लिए रेडी। इसको कलर्स देख लेते हैं अब, ठीक है चलो उसी हिसाब से। अरे यार, मुझे नीचे वाला करना था ताकि हमें एक्स्ट्रा मूव्स मिल सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भूल गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो, हमारा ही गलती, उसके वजह से पिन करने लगा है ब्रॉन स्ट्रोमैन को। इतना हिम्मत हो गया रिकॉर्ड से का। चलो पूरा लाइन लेते हैं, लगभग उसका डेंजर में जाने वाला है, पिन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फटके लगे हैं बहुत ज्यादा, और ये डेंजर कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से काफी फटके पड़ते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन को मुक्का मारते हुए रिकॉर्ड से या फिर रिकॉर्ड से, जो भी आप बोलो, प्रोनाउंसिएशन गलत किया था यार, मुझे माफ कर देना। लेकिन इस तरफ एक अच्छा मूव यूज करते हुए, लेकिन पिन करना है उसको, वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। चल जा, हो गया।
तो चलो पहला मैच थर्ड चैप्टर का जीत के साथ एंड करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन की जय हो। नेक्स्ट मैच टैग टीम, जी हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ किसको भेजेंगे हम? रोमन रेन का तगड़ा होने वाला है, उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, तो रोमन रेन को लेके इस मैच में कूदते हैं। उम्मीद करते हैं यार आपस में फाइट ना करें, ऑब्वियसली इस गेम में ऐसा तो नहीं होने वाला है कुछ भी, लेकिन फिर भी यार थोड़ा ध्यान रखना है, ब्रॉन स्ट्रोमैन को गुस्सा नहीं दिलाना है और रोमन रेन्स को भी, तो आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं। चलो इन दोनों का एंट्री हो रहा है, देख रहे हो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हो, एक तरफ मॉन्स्टर अमोंग मैन, दूसरी तरफ द जगरनॉट। ये बिग डॉग वाला रोमन रेन नहीं है, जगरनॉट वाला रोमन रेन है। चलो ध्यान से इसको करते हैं ताकि हमें अच्छा एडवांटेज मिल पाए। और ये तो रहा ब्रॉन स्ट्रोमैन का रनिंग पावर स्लैम, एक ही मूव से उसको घायल कर दिए, यानी डेंजर पे डाल दिए और जीत गए पहला टैग टीम मैच हमारे इस सीरीज का। अगला मैच जो है ड्रू मैकेंटायर के साथ है, द सिनिस्टर स्कॉट्समैन, तो चलो उनको भी हराते हैं। लगभग 1745 पावर, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन का उससे 3 डबल है। चलो पहला मैच ड्रू मैकेंटायर के अगेंस्ट, ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत ही गुस्से में है, तो आसानी से मूव्स को यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा मूव्स का चांस है, लेकिन यार पिन कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसका फ़िलहाल ब्लड बचा हुआ है 5324, तो जब तक हम डेंजर में ले जाते हैं तब तक हम तो पिन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलो इस बार इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब मूव यूज़ करने का बारी सुपर प्लेक्स लेवल 10 का। ये ब्रॉन स्ट्रोमैन उठे, रिंग मत तोड़ना यार, आपको याद है यही मूव्स यूज करते हुए रिंग तोड़ दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। मतलब आपको मत सिखा, तो लगभग डेंजर है अभी, मतलब उसको पिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अच्छा खासा डैमेज देना पड़ेगा और ये हो चुका है पिन। रनिंग पावर स्लैम के साथ फिनिश करते हुए ड्रू मैकेंटायर को और इस मैच को भी जीतते हुए। ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट बोनस तो है, लेकिन हम उसको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस कैटेगरी का सुपरस्टार, पावरफुल वाला सुपरस्टार नहीं है, एडवांटेज तो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फाइनल मैच, मेन इवेंट का मैच एलिस्टर ब्लैक के खिलाफ, ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ करके दिखाना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली करके ही दिखाएंगे क्योंकि उसका जो पावर है एलिस्टर ब्लैक से 2 गुना है, तो 2900 लगभग 3000 उसका हेल्थ है जिसको हम ड्रेन करने वाले हैं। पहला शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुआ, एक दौड़ते हुए छाती पे घुसा तो नहीं यार, धक्का, जिसके वजह से हम पिन किया, लेकिन वो पिन आउट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला मूव रेडी है, यानी सुपर प्लेक्स लेवल 10 का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिर से यार ऊपर उठा दो, रिंग मत तोड़ना, नया रिंग है, बहुत हार्ड, टूटा नहीं। चलो अभी मूव्स यूज करते हैं नॉर्मल वाला, क्योंकि कलर्स वाला तो नहीं दिख रहा है, इसको यूज कर लेते हैं। उसका मूव रेडी हो चुका है, इसके बाद वो यूज करेगा लेस्टर ब्लैक पहला अपना मूव, स्पेशल मूव, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन 2 बार धक्का मार के उसको डेंजर पे डाल दिए हैं। लेकिन इस तरफ लॉक, ब्रॉन स्ट्रोमैन गिरने नहीं वाला है नीचे, तो 3 डिस्ट्रॉय करना है 3 बार ताकि हम ये लॉक को खोल सकें। ये 2 और इसके साथ हो जाए यार, और 1 हो गया। ब्रॉन स्ट्रोमैन को लॉक डाले तो मतलब छोड़ेंगे नहीं इसको, तोड़ेंगे मोड़ेंगे और धक्का मारेंगे अपरकट। अपरकट मेरे को जानता नहीं। दूसरा मूव हमारा रेडी हो चुका है ब्रॉन स्ट्रोमैन का, जो है योको सुखा कटर लेवल 10। ये योको सुखा कटर है, कटर कहाँ से लग रहा है यार, मुझे तो नहीं लग रहा है कटर है, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, क्योंकि काटता तो नहीं अभी फिलहाल। लेकिन इस तरफ डेंजर पे कर दिए हैं एलेक्स्टर ब्लैक को और पिन भी कर रहे हैं, तो मतलब वो उठने वाला नहीं है।
और थर्ड स्टेज का मेन इवेंट को भी जीते, वो भी 3 स्टार के साथ। तो सभी स्टार को कलेक्ट करने की वजह से हमारा 2 जो स्टेजेस है हार्ड लेवल का भी खुल चुका है। उसको तो हम नहीं खेलने वाले, ऑब्वियसली नॉर्मल से ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सुपरस्टार आप यूज़ कर सकते हो। तो गेम प्ले पहला पार्ट जब पसंद आया होगा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सेकेंड पार्ट जल्दी से जल्दी जब आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लोगो बटन आ चुका है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।